Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamualaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News के साथ आतिफ तौकीर। जकार्ता, इंडोनेशी शहर सुराबाया में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब मोटरसाइकिल खुदकुश हमले में चार हमलावर हलाक जबकि दीगर 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के एक तर्जुमान के मुताबिक हमलावर एक ही खानदान के 5 अफराद थे जो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। उनमें एक 8 साल बच्ची भी शामिल थी जो जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई है। ऑनलाइन गर्दिश करने वाली सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में पुलिस एहलकारों की जानिब से एक थाने के बाहर चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिलों को रोकते और फिर वहां धमाका होते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज भी सुराबाया शहर ही में 6 खुदकुश बमबारों ने 3 गिरजाघरों पर हमला किया था। इन वाकयात में हमलावरों के अलावा दीगर 10 अफराद हलाक हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। रियाज, सऊदी अरब ने यमनी जजीरे स्कोत्रा पर अपने फौजी तायुनात कर दिए हैं। इस जजीरे पर मुतहदा अरब अमारात की जानिब से फौजी तायुनात करने पर कशीदगी के तनाजुर में यह सऊदी इकदाम सामने आया है। सऊदी बयान में कहा गया है कि मुल्की फौज इस जजीरे पर यमनी हुकूमती फोर्सेज को तरबियत और मावनत फराहम करेगी। ये बात अहम है कि यमन में ईरान नवाज हूसी बागियों के खिलाफ अरब इत्तेहाद में मुतहदा अरब अमारात एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तहम हालिया कुछ अरसे में उसने सदर मंसूर हादी से किसी हद तक फासिला इख्तियार किया है। यही वजह है कि मुतहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान तलखियां देखी जा रही हैं क्योंकि रियाज हुकूमत मंसूर हादी की हामी है। तेल अवीव, इसराइल में अमरीकी सिफारतखाना आज पीर के रोज तेल अवीव से यरूशलम मुंतकिल हो रहा है। इस हवाले से अमरीकी वफद जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जेराड कुशनर और बेटी एवांका ट्रंप इस हवाले से एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। उधर अमरीकी सिफारतखाने की मुतनाज़ा इलाके में मुंतकिली के मौके पर मगरबी किनारे में मुजाहरे भी हो रहे हैं। इसराइली हुकूमत तहम अमरीका की यरूशलम के हवाले से कई दहाइयों की पॉलिसी में तब्दीली और यरूशलम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले को खुशाइन करार दे रही है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने मशरकी यरूशलम का तारीखी हिस्सा सन 1967 की जंग में कब्जे में लिया था और आलमी बरादरी उसे इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं करती है। गजा सिटी, अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर इमदाद के इदारे का कहना है कि गजा में ईंधन की फराहमी के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने की जरूरत है। आलमी इदारे के बयान में कहा गया है कि ईंधन की अदम दस्तियाबी की वजह से हस्पतालों, सफाई, नकासी आब, हत्ता के पानी की फराहमी जैसे मामलात मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। इतवार की शाम अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से यह अपील एक ऐसे मौके पर सामने आई जब 2 रोज कबल फलस्तीनियों ने इसराइल के साथ एक क्रॉसिंग पर ईंधन का एक टर्मिनल तबाह कर दिया था। हुकाम के मुताबिक इस टर्मिनल की मरम्मत में कई माह लग सकते हैं। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी हमास पर आयद की थी। तहम हमास की जानिब से इस सिलसिले में अवामी सतह पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। ये DW का न्यूज बुलेटिन है। मॉस्को, ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ आज पीर के रोज मॉस्को पहुंच रहे हैं। इस दौरे का मकसद जौहरी माहदे से अमरीका के खराज के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल है। इख्तिताम हफ्ता पर जवाद जरीफ बीजिंग गए थे जबकि रूस के बाद वो ब्रसल्स जाएंगे। इतवार के रोज अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि इस डील के मुस्तकबिल के हवाले से एक वाज़े हिकमत अमली तैयार की जा सकती है। उधर इतवार के रोज अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा था कि वाशिंगटन हुकूमत इस मामले में अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ बातचीत में मसरूफ है ताकि ईरान के साथ एक नई और बेहतर डील पर इत्तेफाक किया जा सके। अमरीकी मौकफ है कि तेहरान हुकूमत के साथ एक ऐसी डील होना चाहिए जो न सिर्फ उसकी जौहरी सरगर्मियों को रोके बल्कि उसके मिजाइल प्रोग्राम पर भी कदगन आयद करे। बगदाद, इराक में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात के इब्तदाई नतायज में शिया मजहबी रहनुमा मुक्तदा और सदर के सियासी इत्तेहाद को बरतरी हासिल है। इराकी इलेक्टोरल कमीशन की जानिब से इतवार को सामने आने वाले जुजवी नतायज में बताया गया है कि वजीर आजम हैदर अली बादी की जमात को शिया अक्सरियती इलाकों में खासे कम वोट पड़े हैं। मजीद खबरों के लिए DW.com/urdu। You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.